हेलो, गुड मैम गुड आफ्टरनून आफ्टरनून क्या सभी स्टूडेंट्स, गुड मैम आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हाउ आर यू? हाँ जी बेटा, कैसे हो सभी? मैम अच्छे, नमस्ते मैम मैम अच्छे। अच्छे। बेटा सबसे पहले हम आपकी अटेंडेंस करेंगे, ठीक है? सर मैम ओके सिंगर मैम ओके पुष्पिंदर बेटा जी। जशनदीप कौर मैम प्रेजेंट जसनीत कौर वीडियो ऑन करें, प्रेजेंट मैम वीडियो ऑन करें। गुरप्रीत सिंह बेटा अटेंडेंस लगाने, वीडियो ऑन मैम करो, प्रेजेंट वीडियो ऑन करेंगे फिर आपकी अटेंडेंस वीडियो में एब्सेंट ला दी। कमर प्रेजेंट मैम दरो खुशप्रीत 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 बेटा बच्चे बेटा बुक्स ऑन करो, बुक्स बुक निकाल ली, बुक्स ले ली सभी ने? मम्मी यस मम्मी यस ये अपनी बुक मम्मी निकाल लो, यस मुझे दिखाओ कौन से बुक लेनी। मैम नो मैम, आज लेकर आएंगे हमारे पापा। बेटा ऐसे कैसे आ जा, आज इतने दिन हो गए आप बुक क्यों नहीं ले रही नो बुक? मैम पहले मैम आई नहीं थी वहां पर। ले लो बेटा फिर आपका काम पेंडिंग रह जाएगा। मैम बस चाबी की रहती है, बाकी सर भी तो ले ली थी। बेटा हम चैप्टर नंबर वन साहित्य कितना बुक का चैप्टर नंबर वन शुरू किया था हमने? मैं बाबा शेख फरीद जी बस एक फ्री दे किया था। मम्मी यस साहित्य किरणा वाली बुक है बेटा, दो बुक्स है ना, साहित्य किरणा साहित्य किरणा। मम्मी यस मैं किरणा वाली बुक है, किरणा वाली बुक है। दिखाना मुझे बुक बेटा, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? आपको
से राइटर का नाम है? रीडिंग तो हो गई थी, सबको समझ में आ गया? हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मैम जेड़ा तुसी काम भेजा ते मैम ओदी प्रसंग व्याख्या भी लिखनी है जा कल्ले क्वेश्चन आंसर तो जो भेजा है वो सभी करना है? ठीक है, तुमने दिखाओ मुझे बुक का चैप्टर नंबर 1 दिखाना। बेटा मुझे जैसा हर्षप्रीत हर्षप्रीत यस मैम दिया बेटा, आप बुक को दिखाना मुझे फर्स्ट चैप्टर बुक का। मैम कौन सी बुक का? जो हम रीड कर रहे थे उस दिन साइपिक बाई रीड्स बाबा फ्रीड। दिखाते हैं बेटा, मुझे मैसेज करना मेरे ही फोन पे पर्सनल मैसेज करना मुझे। करते हैं मैम। ये वाला चैप्टर है फर्स्ट बाबा फ्रीड जी बेटा। यस मैम यस। बाबा फ्रीड जी चैप्टर बेटा आपका जो सेंड किया गया है आपको वो वर्क पंजाबी का सेंड किया गया है। मैम ने क्या मेरे को मैसेज करो पर्सनली बेटा, जो आपको सेंड किया था ना मैंने मैम ये क्या वो आपने लाइक करनी है शेयर नोट पे। ओके मैम। ओके आपको मैंने पर संसद बैठा फर्स्ट जो और सेकंड बोला था ना मैम ये बेटा बुक की पिक्चर करो आयो तो आशीर्वाद लेके जाओ। बाहर कोई आया बुआ खोल के आओ। हाँ जी बेटा मेरी बात सुनो, प्रसंग की व्याख्या सभी ने राइट कर ले नोटबुक पे। एक मैम। मैम यस यस मैम, हमने पिक्चर तो बना ली मैम, ये दोनों प्रसंग और व्याख्या नहीं हमने राइट किए मैम, हमको समझ नहीं लगा मैम यस। मुझे नोटबुक दिखाओ बेटा पिक्चर वाली। मैम दिखाओ मैं हमने पिक्चर बना ली बट थोड़ी सी इनकम्प्लीट है अभी। क्वेश्चन स्टार्ट टीवी शो बस हो गया।
दिखाओ मुझे पिक्चर जो भी नहीं अम्मी ओ उठ कॉपी पई है कपड़ा ही हाँ जी बेटा दिखाओ पिक्चर्स नोटबुक दिखाओ पुष्पिंदर मैम दिखाते हैं कलर मिलने की है पुष्पिंदर मैम कलर रहते हैं बस बाकी सारा हो गया बेटा अपनी बुक ओपन कीजिए ओपन कीजिए अपनी निशान गुरप्रीत द्रोप बुक ओपन कीजिए मैं क्वेश्चन आंसर बताने पैराग्राफ आपने पहले टू बताए थे ना आपको बुक की तरफ करो बेटा अपनी चलो बेटा बुक ओपन करो बुक की तरफ करो मैं आपको टिक करवाने हैं बेटा कौन कौन सा करना है काम बेटा थर्ड वाला पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ निकालो थर्ड हर्षप्रीत ऑन करें हर्षप्रीत जो थर्ड नंबर पे है ना अपनी मुझे दिखाओ बेटा अपनी बुक को क्लियरिटी दिखाओ मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैम थर्ड फ्रीडा जंगल जंगल क्या सब है वन कंडा मोड़े वाला थर्ड नंबर वाला ये भी अपने राइट करना है पैराग्राफ टिक करो बेटा ये फिर नोटबुक पे राइट करना है ये भी इसके बाद बेटा आगे आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है अपने वहां पे आ जाओ किलकियों में बेटा मनुख नु अपने लेख केहो जे नहीं सुनाने चाहिए मैं लीव निकालती हूं जून अपने लेख केहो जे नहीं बनाने चाहिए वो वाले क्वेश्चन आंसर मिल गए बेटा आपको मैम यस सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर है सिक्स्थ के सिक्स्थ फेयर नोटबुक पे करनी है टिक करो बेटा टिक कर लो जशान समझा रहा है बेटा मैम हमारे पास बुक नहीं है बुक लो बेटा फिर काम पीछे रह जाएगा आपका मैम ओके मैम हमने अब इस नंबर से जूम क्लास लगा ली है कॉपी तो कर नहीं कौन सा बच्चा पूछ रहा है बेटा हाँ जी बेटा दूसरी मेरी काम पे है हाँ जी
मैम इसके शब्द शब्द अर्थ बेटा आप शब्द अर्थ भी राइट कर लेना। कितने शब्द अर्थ है टोटल बताना। मैम शब्द अर्थ बेटा शब्द अर्थ जो आपको दिए हुए हैं ना शब्द अर्थ भी राइट करने हैं ठीक है। पहले पिक्चर बनानी है फिर शब्द अर्थ करने हैं फिर संक्षिप्त व्याख्या करनी है तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके इतना तो काम है अभी आपका ठीक है। मैम जिहड़ा तुमने पहले दस्या होया सीगा दूजी बुक दा योग आदे करने ही ग्रुप च भेजे होए जिहड़ा कौन सी बुक साहित्य रंग वाला। हां जी वो रंग वाला होगा ही वो चैप्टर केड़ा सी बेटा पहला बेटा ये छोड़ दो ये बाद में करेंगे पहले जो आज बताया है वो वाली बुक का काम करो। साहित्य किरणा वाली बुक का पुष्पिंदर है मैम ये वाली बुक का काम करना है बेटा ठीक है। जो आज काम बताया पहले थ्री बेटा वन टू थ्री पैराग्राफ करने प्रसंग सहित व्याख्या शब्द अर्थ करने हैं पहले थ्री के शब्द अर्थ करने हैं पहले थ्री के ही पैराग्राफ करने हैं ठीक है। पहले थ्री के शब्द अर्थ दिए हुए हैं ना वो करने हैं पहले थ्री तक करने हैं शब्द अर्थ बस ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके मैम मैं फर्स्ट चैप्टर के करने हैं ना ये फर्स्ट चैप्टर कौन सा गुरु का नेम बताना। मैं बाबा शेख फरीद जी। हाँ जी हाँ इसके थ्री पैराग्राफ करने हैं। ओके मैम मैम पहले टू करेंगे आप अपनी और करना साथ में। हाँ जी पहले तो मैम दो कर लिए एक और करना है अब। हाँ जी एक और करना है ठीक है। वो थ्री के ही अपने शब्द अर्थ करने हैं जो दिए हुए हैं थ्री के। ओके मैम ठीक है। उसके बाद बेटा अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं जो सिक्स है ठीक है। ओके मैम अच्छा बेटा मुझे बुक को दिखाना। मैम दिखाते हैं मैम ये लो साहित्य किरणा आगे 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 ठीक है। ये तो आगे इसके आगे क्या है दिखाना ठीक है बेटा यही बुक है। के आगे कोई कौन सा क्वेश्चन आंसर है बेटा दिखाना। अंशु आगे इसके आगे क्या है शॉर्ट के बाद क्या है और ये है मैम दिखाओ। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा बेटा मुझे अच्छी तरह से। खोल के
हाँ जी बेटा समझ लग गई सभी को जो मैं बताया वर्क आपको। ठीक है बेटा सेम बुक पे करना है, अच्छा अच्छा करना है। ठीक है वन बहुत अंडरलाइन करना है, लाइन मारनी है। ठीक है मैम ओके। बेटा बुक्स ले लो, जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स और नोटबुक्स नहीं ली वो ले लो प्लीज अपनी। ओके मैम ओके। वो टाइम हो गया बेटा, पूरा अप्रैल चला गया, आपके बुक की नहीं ली अब तक, ऐसे कैसे चलेगा काम। ठीक है मैम ओके। मैम ओके ठीक है बेटा। अर्श बेटा यस मैम। बेटा मुझे सेंड करो वो पिक। मैम कौन सी क्वेश्चन है से वाली? यस करते हैं मैम। मैम नो हम कुछ फिंगर मैम यस। हाँ जी बेटा और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। मैम नो बस समझ लग गया ना सभी को। मैम यस। मैम यस। फ्रेंड्स को बोलो कि वो जूम क्लास अटेंड करें, कंपलसरी है। थर्सडे को हमारी जूम क्लास होती है 12:20 तक। ओके मैम ओके। 12:15 तक तो सी ऑनलाइन हो जाया करो। ठीक है सभी फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे कर दो कि जूम क्लासेस लगानी कंपलसरी, मैम ने बोला है, एक मैम ने बोला है। ठीक है ओके मैम। बेटा आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे मैसेज करके आप ठीक है पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पूछ सकते हो मुझे ये समझ नहीं आया मैम ये कैसे करेंगे। ओके ओके मैम। हाँ जी बेटा बाकी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बेटा। जशान अर्शद अमन जसनीत तो वीडियो ऑन नहीं करें, उनकी एब्सेंट लग रही है, मैं रिमूव कर देना ग्रुप में से हूँ। वीडियो ऑन नहीं करते आपको नहीं स्टडी करनी बेटा, फिर आप रिमूव हो जाओ। ठीक है आपको बार बार बोलना पड़ता है, बच्चे थोड़ी ना हो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो। जसनीत बेटा समझ आ गया? तमन जसनीत मैम यस मैम यस। काम कहाँ पे करना है? एक ही कॉपी पे करना है बेटा ये काम। ठीक है दोनों okay, मैम एक ही कॉपी पे करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे दोनों बुक्स का। ठीक है ओके मैम। जब दूसरी बुक शुरू करवाएंगे तो उनकी कैसे करना है? ठीक है पहले हो गया नीला बटन। की भेजे तुम Thank you.
मैम बेटा उसके आगे कोई क्वेश्चन है दिखाना मुझे बुक पे दिखाते हैं मैम एक तो ये है मैम ये बुक दिखाओ मुझे बुक दिखाओ बुक ऐसे नहीं बेटा मुझे क्वेश्चन दिखाओ बुक पे आगे करो पुष्पिंदर बेटा आप दिखाना मुझे ये क्लियर नहीं दिख रहा आप बुक का दिखाना शॉर्ट के बाद कौन से क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट के बाद मैम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हमारे पास पुरानी बुक है इसलिए आप देख लो बस वैसे तो सेम ही है बट मैम वर्डिंग अलग है बस ये सेम है हाँ जी हाँ जी दिखाना ये वाले है इंप्रेशन विषय वस्तु है बेटा ये विषय वस्तु क्या मैम विषय वस्तु लिखा हुआ है विषय वस्तु मैम नो क्वेश्चन क्या है मुझे पढ़ के सुना मैम क्वेश्चन है हेठ दिते श्लोक दी प्रसंग सहित व्याख्या करो प्रसंग सहित व्याख्या बेटा इसके आगे मैम ये वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है पढ़ना कि तुसी कदे विखावे वाली जा किसे दी रीस नाल जिंदगी जीवन दी जिद कीती है उस समय घर वाले वालों की प्रतिक्रिया होई खुल के बयान करो क्या आगे क्या आगे मैम सेकंड क्वेश्चन है तुहाडे ख्याल अनुसार रब दी प्राप्ति कित्थों हुंदी है क्या है क्वेश्चन तो हाडे ख्याल अनुसार रब दी प्राप्ति कित्थों हुंदी है विषय वस्तु लिखो नी है सही है मैम लास्ट पे नीचे वाला ये है मैम की मेहनत से ईमानदारी धर्म दी पहली पौड़ी है तुसी अपने जीवन विच किन्ने को ईमानदार हो विचार पेश करो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हंकारी व्यक्ति दा की हशर हुंदा है निम्रता वाला जीवन जीवन लई एक भाषण तैयार करो उसके आगे मैम बुक वर्क है बेटा मेरी बात सुनो पुष्पिंदर मैम यस ये कविता है इसके जो प्रसंग सहित व्याख्या वहां पे केंद्रीय भाव दिया हुआ है केंद्रीय भाव मैम नो मैम वो तो मैम बस ऐसे ही है प्रसंग या फिर व्याख्या ही है नहीं नहीं जो प्रसंग सहित व्याख्या आगे है आगे शुरू में दी है जो थ्री बोला था मैंने यस मैम थर्ड वाला वो उसमें है मैम प्रेशर है मैम केंद्रीय भाव है दिया हुआ है मैम यस क्या केंद्रीय भाव है बेटा पढ़ के सुनाना मुझे तो है मैम फर्स्ट श्लोक का तो है मैम शेख फरीद जी दे फरीद जे तू अकाल लतीफ वाले श्लोक का केंद्रीय भाव 40-15 शब्द विच लिखो ओही मनुख सूझबूझ वाला हुंदा है जेड़ा किसे दे माड़े कम्मां दी आलोचना नहीं करदा सगो अपनी बुक्कल विच छाती मार के अपने कीते कम्मां नूं देखदा है बेटा ये अपने हेलो पुष्पिंदर ये अपने कौन से प्रसंग व्याख्या कर दिया हुआ है केंद्रीय भाव मैम ये फर्स्ट श्लोक है ये फर्स्ट हो गया सेकंड का है मैम एक मिनट
सेकंड का सेकंड का है मैम बेटा मेरे बुक पे ये चीज देखो मेरी बात सुनो बुक पे ये चीज देखो कि जो बाबा फरीद की कविता है ना ये यस मैम उसको लिखा होता है देखो लिखा हुआ है कहीं श्री बाबा फरीद जी की रचना ता केंद्री भाव लिखो उसका नाम लिखा होता है मैम इसमें तो ऐसे है देख फरीदा जो थिया वाले श्लोक दा केंद्री भाव लिखो दोबारा बोलना देख फरीदा जो थिया वाले श्लोक दा केंद्री भाव लिखो एक क्वेश्चन दिता हो नहीं तुसी बुक दे विच चेक करो कि कविता दा नाम लिख के लिखा हो दिखाओ मुझे बुक तो दिखाओ मैं आपको फोटो सेंड कर देते हैं हाँ मैंने फोटो सेंड कर केंद्री भाव जी सारे ठीक है मैम बेटा पर्सनल कर दूंगी ठीक है ओके मैम ठीक है बेटा ग्रुप में मैं डालती हूँ सभी काम कंप्लीट करना है जो बताया है ठीक है मिलते हैं अगले फैसले को ओके मैम ओके बाय मैम ओके बाय ओके बाय मैम